तो प्यारे फ्रेंड्स हेलो, मैं बचपन की क्लासेस से प्रफुल सर इस बार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस कॉमन एरर लेकर आया हूँ। अभी से लेके एग्जामिनेशन तक कॉमन एरर का एक खास महत्व है, ये बहुत मायने रखता है, एग्जामिनेशंस में आएंगे, इसमें कोई दो इशू नहीं है। तो लगातार कॉमन एरर्स की वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है और अपने अटेम्प्ट को बेहतर करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए कॉमन एरर लेके आया हूँ, जरा कॉमन एरर को देखा जाए, अटेम्प्ट को देखा जाए कैसे बनाना है। चलिए जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस्ड, देखा जाए लाइन को, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, हमें इसमें क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है, सेक्शन है पूरी तरह सुरक्षित है, किसी सूरत में इसे काटना नहीं। अ सॉक ये ऑब्जेक्ट है, नहीं काटना है। व्हेन दे अराइव, अच्छा ये वर्ब टू है और ये वर्ब टू है, कोई किसी प्रकार का तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं है। एट द म्यूजियम ओनली टू प्लस वर्ब वन फाइंड दैट इट हैड बीन, ये भी पास्ट में चल रहा है, ठीक है, बर्गल मतलब धोखा दिया गया है। जरा गौर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स experienced a shock when they arrived at the museum only to find that it had been, ठीक है, अगर बढ़ देंगे पूरे सवाल में आपको, आप अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका एक बार इच्छा करेगा कि इट काट के दे कर दिया है, इट काट के दे के जैसा कुछ प्लूरल में चला, लेकिन ये पूरी तरह सही है, इसमें किसी तरह का एरर नहीं, पूरी तरह वाक्य सही है, नो एरर। कारण बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे दे होना चाहिए कि उनसे चीट किया गया, नहीं, यह चोरी कर लिया गया या फिर यह चीटिंग है, ऐसा चीट किया गया है। जब वाक्य में ऐसी सिचुएशन आए और इट का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट रूप में किया जाए तो आप इट को काट नहीं सकते हैं, भले ही वहां पे उसका इस्तेमाल आपको लगे कि वो आपका दूसरे रूप में आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत लोगों की इच्छा होगी यहाँ पे दे लगाया जाए, दे हैड बीन बगल, नहीं, इट हैड बीन बगल यहाँ पे इसका अर्थ है, जैसे हम अगर बोलते हैं आपका इट हैड बीन आपका डन इन अ बैड मैनर, इसे गलत तरीके से किया गया है, तो उन्हें काफी समय लेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस द शॉक, मतलब काफी ट्रैवलर्स को शॉक लगा। व्हेन दे अराइव, जब वो पहुंचे एट द म्यूजियम ओनली टू फाइंड, सिर्फ यह मालूम करने के लिए कि वहां पे कुछ गड़बड़ी की गई थी। तो जब वहां पे किया गया था तो जनरल सब्जेक्ट के लिए वहां पे इट का इस्तेमाल करेंगे, इसका आंसर भले आपको लगे कि यहां पे देवा आंसर हो जाएगा, नो एरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एरर, जरा गौर कर लीजिए। आमतौर पर ऐसे एरर में लोग यहाँ पे इट काट के दे कर देते हैं, घटना को समझा जाएगा, जब प्लेस की बात होने लगे तो वहां इट का इस्तेमाल किया जाता है और वो पूरी तरह सही होता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ पीपुल डू टू अर्न देयर ब्रेड, लोग ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए कैसे करते हैं या क्या करते हैं, सवाल यह है क्या करते हैं, हाउ नहीं हो सकता है। वैसे भी जब किसी प्रकार के आइडिया की बात होती है, किसी तरह के सोच की बात होती है, तो आप हाउ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल करना होगा और आपका आंसर हो जाएगा व्हाट पीपल डू, जो लोग करते हैं। आपको एक एग्जांपल याद होगा, मैंने क्लास में बहुत बार दिया एग्जांपल, व्हाट आई हैव सेड, जो कह दिया सो कह दिया। तो ये जो सेंटेंस है आमतौर पर अगर वाक्य के शुरू में आपको दिखे और किसी प्रकार के आइडिया या स्पीच की बात हो तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में WH वर्ड में व्हाट का इस्तेमाल करना है, किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें एरर था सेक्शन ए। हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड, इसमें किसी तरह का एरर नहीं है, पूरी तरह लाइन सही है। जरा आगे आते हैं, इफ दे थॉट दैट आस्क्ड है, थॉट है, कोई एरर नहीं। ही वॉज राइट एंड द crowd shouted that they do, error दिख गया होगा आपको आराम से। लगातार सब कुछ past में जा रहा था, asked हमारे पास past में था, asked के बाद हमारे पास thought past में था, was past में था, जब सभी verb past में चल रहे हैं तो आप अचानक से present लेके नहीं आ सकते हैं। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब universal truth की बात हो या फिर वास्तविकता की बात हो, ना तो यह universal truth है ना ही वास्तविकता है, तो यहाँ पे do की जगह होना चाहिए था did और आपका एक आसान सा error यहाँ पे बन के सामने आ गया, that's called did. Fourth question, I was pretty sure that past चल रहा है, कुछ extra नहीं कर सकते हैं। अगले sentence पे आते हैं, अगला लिखा हुआ है he would support my views, ये भी past में है, आपको इसको भी touch करने की आवश्यकता नहीं है। For सीधे तौर पे इसको याद कर लीजिएगा, views के बाद for होता ही नहीं है, views के बाद on का इस्तेमाल किया जाता है, my views on, किसी चीज पर आपके विचार होते हैं।
आई वॉन्ट टू कन्वे माई व्यूज ऑन दिस इशू. आपको एक वर्ड मैंने पहले ही बताया था, मोरल बिहाइंड होता है, ठीक है, मोटिव बिहाइंड होता है, मोरल ऑफ भी लेता है, मोरल ऑफ द स्टोरी. अगर आप कुछ जानना चाहते तो, लेकिन आपके ये कार्य करने के पीछे क्या मोरल था, तो मोटिव या मोरल या बिहाइंड के इस्तेमाल कर सकते हैं. मोरल ऑफ द स्टोरी भी होता है. इसी प्रकार से व्यू हमेशा ऑन का इस्तेमाल करता है, माय व्यू ऑन. इस पे सवाल आता है, प्लीज ये वर्ड आप हमेशा माइंड में रखें. चार्ज, मैंने आपको चार्ज भी बताया था, चार्ज ऑन भी लेता है, अगेंस्ट भी लेता है, लेकिन आप चार्ज के लिए फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा. उसी तरह व्यू के लिए आपको हमेशा ऑन का इस्तेमाल करना होगा. ये सब वर्ड्स इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं. प्लीज आप वीडियो पॉज कीजिए, वर्ड्स को दोबारा सुनिए और प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए. हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5. आई डिड नॉट लीव, सॉरी लाइक, माय फॉल्ट, आई डिड नॉट लाइक. डिड के बाद भगवान ने कुछ नहीं कर सकते, सही है. कमेंट्स ऑन माय पेपर, I did not like his comments on my paper. नहीं कर सकते, सब कुछ सही है. आगे है, but I had no alternative. Alternative आप जानते हैं, option कह सकते हैं. I had agreed to keep quiet. किसी को यहाँ पे जरूर लगेगा कि लगातार वाक्य में दो बार had कैसे आ गया. आपने पढ़ा होगा टेंस के नियमों में कि एक वाक्य में दो बार had का इस्तेमाल नहीं हो सकता है. लेकिन नियम को जरा गौर से पढ़ा जाए. नियम आपको कुछ ऐसा बताया गया था कि जब वाक्य में कंडीशनल का इस्तेमाल हो तो आप दो बार हेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते. कंडीशनल नहीं है तो आप पांच बार हेड लिखिए, हमें कोई आपत्ति होने वाली नहीं है. और आप ध्यान से देखिए, पूरे वाक्य में किसी भी प्रकार के कंडीशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं है. कंडीशनल कहने का होता है इफ हो गया, वेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, अंटिल हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए. ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं है. आपका आंसर हो जाएगा नो एरर. कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है. तो ये मैंने आपने पांच एरर बनाया. पांचों एरर अपने आप में बहुत यूनिक है. आपको पैटर्न देख के पढ़ना होगा. ये कंफ्यूजिंग एरर्स है जिसमें आपके द्वारा पढ़े गए जो भी अपने पहले नियमों को पढ़ा है वो आपको परेशान करते हैं. प्लीज पूरी तरह से सवाल को देख लिया. किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे वेस्टर्न क्लासेस में आगे आने वाले 14 जून से नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है बैंक एसएससी के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड हैं या कोई भी आपके मित्र फ्रेंड या कोई भी आपके छोटे भाई बहन अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें हमारे यहाँ भेज सकते हैं. तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक.